सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए घंटी का बटन जिससे आपको मिल सके हमारी नई रेसिपी सबसे पहले। नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम रोस्टेड मसाला मूंगफली बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कच्चे मूंगफली के दानों की, काले नमक की, सादे नमक की, पिसी लाल मिर्च पाउडर की, चाट मसाले की और रिफाइंड ऑयल की। अब हम सबसे पहले एक पैन को गरम करके उसमें मूंगफली के दाने डालेंगे। मूंगफली के दानों को हमें हल्की गैस पर सुनहरा होने तक भूनना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। हमें मूंगफली को हल्की गैस पर भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। हमारी मूंगफली का कलर भी बदल चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इनको फिर से चलाएंगे। हमें मूंगफली के दानों में रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इन्हें आधे मिनट तक भूनना है। हमें आधा मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिलाना है। गैस हमें हल्की ही रखनी है। मसाला डालने के बाद इन्हें आधे मिनट तक भूने जिससे मसाला सभी दानों के ऊपर अच्छे से चढ़ जाए। हमें मसाले के साथ मूंगफली को भूनते हुए आधा मिनट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए, हमारी रोस्टेड मसाला मूंगफली तैयार है। ये आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।